नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी इको का रियल माइलेज कितना है। दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि हमारी इको कितना माइलेज दे रही है। दोस्तों तो आज हमको 11 महीने कंप्लीट हो गए दोस्तों गाड़ी लेके, 11th मंथ कंप्लीट हो गए, तो गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है, क्या रहा प्रोसेस वगैरह सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम है गणेश सिंह और आप देख रहे हैं गणेश सिंह व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कमाल का व्लॉग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो दोस्तों गाड़ी को लेकर हमको लगभग हो गए हैं 11 महीने। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, इस गाड़ी से मैंने काफ़ी लंबी जर्नी भी तय की है दोस्तों। आप सभी ने मेरे वीडियो देखे हैं पुराने, बेंगलोर टू राजस्थान, राजस्थान टू बेंगलोर वापस भी आया और यहाँ से बेंगलोर से राजस्थान भी गया। तो ये पेट्रोल वर्जन है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मारुति सुजुकी इको BA6 टॉप मॉडल 7 सीटर पेट्रोल वर्जन है दोस्तों ये। तो इसके अंदर CNG नहीं है दोस्तों, इसको हम जब से लिए तब से पेट्रोल में ही चला रहे हैं। तो जब मैंने गाड़ी ये खरीदी थी दोस्तों, तो उस समय मैंने जो उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव था उससे पूछा तो उन्होंने 16 बताया था मेरे को एवरेज। पर उसके बाद में मैंने खुद ने भी चला के मतलब टेस्ट किया, थोड़ा पेट्रोल डला के मतलब 10 लीटर ऐसे डला के चेक किया, तो जब गाड़ी ली थी तब आराम से 15 का माइलेज दे रही थी गाड़ी। पर दोस्तों अभी 11 महीने के बाद में मैंने फिर से टेस्ट किया है दोस्तों आज, तो आज मेरे को मतलब लगा कि माइलेज कम दे रही है गाड़ी पहले के मुकाबले। और दूसरी बात दोस्तों की गाड़ी की 2 सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, 2 सर्विस मैंने करवा दी। अब तीसरी सर्विस के लिए भी आज उनका फ़ोन आया था कि आप गाड़ी की सर्विस करा दीजिए, तो मैंने उनको बोला है नेक्स्ट संडे तक सर्विस का रहेगा प्रोग्राम दोस्तों, तो वहाँ भी मैं उनसे पूछूंगा कि माइलेज क्यों कम हुआ है गाड़ी का। तो अभी मैंने आज जो टेस्ट किया दोस्तों गाड़ी का, तो उसके अंदर मैंने पाया कि गाड़ी ने मात्र 13 किलोमीटर का ही माइलेज दिया, मतलब 1 लीटर के अंदर गाड़ी 13 किलोमीटर ही चली। तो इसके ऊपर मुझे बहुत डाउट है दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सर्विस भी नहीं हुई है शायद उसकी वजह से भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अब गाड़ी चल चुकी है 8000 किलोमीटर। मैं यहाँ से बेंगलोर से राजस्थान गया, फिर राजस्थान में भी बहुत सारी जगह घूमा दोस्तों, उसके बाद में मैं फिर राजस्थान से फिर बेंगलोर की जर्नी तय की, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब लंबी चौड़ी यात्रा हुई दोस्तों। तो उसके बाद में अभी तक गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है, पर मैंने जो आज जो मैंने टेस्ट किया दोस्तों, इसका माइलेज टेस्ट जो किया दोस्तों, तो उसमें पाया कि आज गाड़ी ने 13 का ही माइलेज दी। तो मैं जब सर्विस के लिए जाऊँगा तो जो उनका सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी मैं बात करूँगा दोस्तों कि गाड़ी का माइलेज क्यों कम हो रहा है। अगर आपने भी दोस्तों इको ली है और आपको भी ये परेशानी हो रही है तो कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों कि आपकी इको गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, ताकि उससे डाउट क्लियर हो सके कि यस इको का माइलेज पेट्रोल के अंदर 13-14 ही है। पर स्टार्टिंग में जब हम चला रहे थे तो दोस्तों आराम से 15 तक का माइलेज दे रही थी गाड़ी, शायद नई थी इसलिए ऐसा हो रहा हो, और हो सकता है कि सर्विस कराने के बाद में इसका माइलेज बढ़ जाए, क्योंकि सर्विस से भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।